हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक और रिक्वेस्टेड वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है नो मिरर मेकअप चैलेंज वीडियो। आप लोग इस चैलेंज के जो भी रूल हैं आप लोगों को पता ही होंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मिरर यूज़ नहीं करना, और मैंने अपना कैमरा भी है जो फ़ोन का, मैंने बैक साइड से अपना फ़ोन आज लगाया है। तो आई डोंट नो मैं फ्रेम में आ भी रही हूँ पूरी या नहीं आ रही। मेरे यहाँ किसी किसी प्रोडक्ट में मिरर हैं, जैसे कि इस कॉम्पैक्ट में आप देख सकते हैं, ये देखिए। बट जब मैं यूज़ करूँगी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी मिरर को। और इसमें है मेरे, इस पैलेट में है मिरर, और मेरी किसी पैलेट में यहाँ पे मिरर नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, नो मिरर एंड नो मिरर। सो बस मेरे इन दो प्रोडक्ट्स में मिरर है। एक ये मेरा कॉन्टोर और ब्लश पैलेट है, और ये मेरा कॉम्पैक्ट है, इसमें मेरा है। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी, और मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा है बुखार की वजह से। ये प्रिने की क्रीम है, कम क्वांटिटी ले रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ये देख सकते हैं आप। ऐसी कोकोनट जैसी स्मेल है इसमें, तो अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ लगा रही हूँ ये इंडल्जो का फेस एसेंशियल ऑयल। मुझे हंसी आ रही है कि क्या मेकअप होने वाला है। सो नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन के लिए। मैं यहाँ कर रही हूँ फेरर उशी का प्रोफेशनल मेकअप फाउंडेशन, डबल इफेक्ट बेस है इसके। एक साइड यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सीरम है, और एक साइड फाउंडेशन है। सो क्या करूँ, सीरम भी अप्लाई कर लूँ? तो मैं पहले सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। ये जो वाइट वाला पार्ट है ये सीरम का है, ये देखिए। वाह, उसने एकदम से स्मूथ कर दिया स्किन को। एंड ये फाउंडेशन मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ। इसी में है एक साइड यहाँ पे फाउंडेशन, तो मैं ये फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो मैं इसके दो पंप लूँगी। पहले मैं इसको फिंगर की हेल्प से डिवाइड कर लूँगी अपने फेस पर। मन तो कर रहा है हाथ से कर लूँ बिकॉज हाथ से अच्छे से हो जाएगा, बट मैं यहाँ लूँगी एक ब्रश और इससे मैं ब्लेंड करूँगी। मैंने यह करेक्टर भी रखा था बट मैं अप्लाई करना भूल गई, बट कोई नहीं, विदाउट मिरर वैसे में भी ख़राब ही होने वाला है मेकअप, क्योंकि ब्रश से क्रीज बन जाती है, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आई होप ब्लेंड हो गया है। तो नेक्स्ट बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और ये कंसीलर बहुत अच्छा है। ओ, मैंने शायद आँख के काफ़ी अंदर लगा लिया है। सॉरी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। नेक्स्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत टफ है, और सबसे ज़्यादा आईब्रोज फिल इन करना। सो मेरा कंसीलर भी मुझे ऐसा लगता है अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। तो नेक्स्ट बारी आती है कॉम्पैक्ट की, और इस कॉम्पैक्ट में मेरे मिरर है, ये देखिए। इसके इस साइड यहाँ पे मिरर है, और मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपना ये जो सारा फाउंडेशन और कंसीलर है इसको सेट कर लूँगी। मेरा कॉम्पैक्ट हो गया है, मैं पहले फेस मेकअप पूरा कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, और मेरे कॉम्पैक्ट में और मेरे कॉन्टोर पैलेट में था मिरर। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन से साइड कॉन्टोर है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। क्या मैं देख सकती हूँ थोड़ा सा? इस साइड है, इस साइड है ये वाला। ओ यार, ये थोड़ा टफ हो गया। ये वाला है कॉन्टोरिंग।
उसकी बारी है, तो कहीं ज़्यादा ना हो गया, इसलिए मैं एक बार सब जगह पर ये ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर लूँगी, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर है तो ज़्यादा ना हो गया। सो कॉन्टोरिंग के बाद ब्लश भी मैं इसी में से यूज़ कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा डार्क है तो मैं बहुत लाइट यूज़ करूँगी, बिकॉज़ वैसे भी मैं ब्लश बहुत लाइट यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। थोड़ा सा नोज़ पे, सो ब्लश भी हो गया है और मायरा उठ गई है। शुगर की पैलेट में से ये वाला कलर लूँगी और इससे अपनी आईब्रोज करूँगी। सो अब आने वाला बहुत फनी पार्ट, कैसे करूँ? ब्रश तो ऐसे कर रही हूँ जैसे, ओह माय गॉड, मैं तो ब्रश भी नहीं कर पा रही, फिल कैसे करूँगी? ओ, मैंने यहाँ पे ख़राब कर लिया है। मैं हाथ से फील करके, टच करके फील कर रही हूँ, तो ये कोई चीटिंग नहीं है, बिकॉज़ यार ऐसे नहीं पता चल पाता आपको कहाँ फील करना है। मायरा उठ गई और मुझे इतने ध्यान से देख रही है कि यार ये क्या हो रहा है। ये पक्का मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है, मुझे फील हो रहा है, और आप लोगों को दिख ही रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, और बहुत लोग हंस रहे होंगे अभी, मैं भी हंसूंगी जब देखूंगी। तो अब हम करेंगे आई मेकअप। तो नेक्स्ट आई मेकअप के लिए मैं इस पैलेट में से, शुगर की पैलेट से, ये पर्पल कलर ले रही हूँ, और पहले मैं क्रीज लाइन करूँगी दोनों साइड, क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। इतना तो मुझे पता है कि पिगमेंटेड है तो अप्लाई हो गया होगा अच्छे से कलर। नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, ये मोटा ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अरे यार मैं फ्रेम में आ तो रही हूँ, मुझे अभी भी यही टेंशन हो रही है कि मैं फ्रेम में आ रही हूँ या नहीं, इसलिए मैं बार बार कैमरे को हिलाए जा रही हूँ। अगेन मैं इस पैलेट में से पर्पल शिमरी पर्पल शेड ले रही हूँ, और उसको मैं अपनी सेंट्रल आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ इस पैलेट में से, और फिंगर की हेल्प से ही कर रही हूँ, बिकॉज फिंगर की हेल्प से आप लोग, आपको अच्छे से फील हो जाता है, और मैंने, लग रहा है, अपनी आईब्रोज पे लगा ली है। तो हाइलाइटर रह गया था मेरा फेस मेकअप में, हाइलाइटर तो इजी है। नेक्स्ट आईलाइनर, आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, इसको क्या बोलते हैं, स्केच आईलाइनर। सो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। खराब हो गया। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, मस्कारा के लिए मैंने अपना मेबलिन का सेंसेशनल मस्कारा लिया है, मेरा फेवरेट है। फॉल्सेस नहीं अप्लाई करूँगी, बिकॉज बिना मिरर के वो तो बहुत ही, मेरी पूरी आँख ही स्टिक हो सकती है, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। वैसे मैं बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मैंने इतना मेकअप जो ये करा है, ये बहुत अच्छा करा है। अब क्या रह गया, लिपस्टिक।
बाकी सब हो गया है? बाकी सब हो गया? बड़ी जल्दी हो गया यार। लिपस्टिक के लिए मैं कर रही हूँ नायका के बुलेट प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक्स चेक कर लीजिएगा। लिपस्टिक लगाना इजी है, वो तो मैं ऐसे आंखें बंद करके भी लगा सकती हूँ। सो जैसे कि मैं हमेशा दो लिपस्टिक लगाती हूँ, तो नेक्स्ट मैं यहाँ लगा रही हूँ ये पर्पल की लिपस्टिक, और जिसका शेड है माय फर्स्ट गॉसिप 20। सो मेकअप इज डन, और अब बारी है अपना मेकअप देखने की। यहाँ ये मिरर, और इस मिरर में मैं अपना मेकअप देखूंगी। सो 1 2 3। ओह माय गॉड, ये मैंने, ओह माय गॉड, आईब्रोज यहाँ से थोड़ा सा लग गया है, बट मैंने मस्कारा से क्या करा है अपनी आंखों का हाल। लिपस्टिक फिर भी थोड़ी ठीक है, बट यहाँ से थोड़ी और मुझे ठीक लगानी चाहिए थी, बट आईब्रोज ठीक फिल इन हुई है तो मैं मुझ को और आई मेकअप भी ठीक ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा खराब है, बट मस्कारा का तो मैंने ऊपर ठीक लगाया, बट नीचे क्या हो गया यार, नीचे पूरा खराब हो गया है। और हाइलाइटर से ये कॉन्टोरिंग नोज पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और लाइनर का तो क्या ही कहने, यहाँ से नहीं ठीक से फिल हुआ है। आईब्रोज, मुझे आईब्रोज का डर हो रहा था। हाँ ठीक नहीं है, ऊपर से क्लीन नहीं है, बट फिल हो गई है काफी हद तक। मस्कारा बहुत बेकार लगा है। सो या गाइस, ये था मेरा आज का चैलेंज वीडियो, नो मिरर मेकअप चैलेंज वीडियो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया था, ऐसा तो नहीं कह सकती बिकॉज मैं भूत ही लग रही हूँ। सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैंने अब अपना कैमरा फ्रंट साइड कर लिया, और मैंने थोड़ा थोड़ा मस्कारा भी अपना जो ख़राब हो गया था उसको क्लीन करा है, बाकी मैंने कुछ नहीं करा है। एज इट इज़ मेरी आईब्रो वैसी है, मेरी लिपस्टिक वैसे ही है। सो नाउ टाइम टू शाउट आउट इंशा, थैंक यू लुबना, थैंक यू, थैंक यू मैं भी शंसारी, थैंक यू नेहा फातिमा, थैंक यू लीना अग्रवाल, थैंक यू तमन्ना, थैंक यू शाहीन अशरफ, थैंक यू रिमशा शेख, थैंक यू राशि खन्ना, सॉरी राशि शर्मा, थैंक यू कैफनास खान। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँ आप लोगों को शाउट आउट, तो अगर नहीं करा चैनल सब्सक्राइब तो जल्दी से अभी कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी आप लोग के लिए एक और अमेजिंग सा चैनल। सो यहाँ मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।